लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने पश्चिम बंगाल से अपना प्रचार प्रसार का बिगुल शुक्रवार को बजाया। पीएम मोदी के नेतृत्व में सियासी रणभूमि में उतरने वाली भाजपा 2024 के आम चुनाव में अपने अभियान की शुरुआत पश्चिम बंगाल से कर चुकी है। पार्टी की रणनीति के बारे में आई खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरे पर है। शुक्रवार को पीएम मोदी पश्चिम बंगाल पहुँचे थे, जिसके चलते पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में शनिवार को 15,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री ने विकास योजनाओं के उद्घाटन को लेकर कहा कि उनकी सरकार बंगाल को विकसित राज्य बनाने में जुटी है। दरअसल प्रधानमंत्री शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुँचे थे। कार्यक्रम के तहत पीएम मोदी नादिया जिले के कृष्णा नगर में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार बंगाल को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने में जुटी है और उसी विजन के तहत बंगाल में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की जा रही है। आइए जानते हैं शनिवार को बंगाल में पीएम मोदी के करोड़ों के परियोजनाओं में क्या क्या शामिल है। पीएम मोदी ने आज परुलिया जिले में स्थित दामोदर घाटी निगम के रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन के दूसरे चरण की आधारशिला रखी है। साथ ही प्रधानमंत्री ने मेजिया थर्मल पावर स्टेशन में 650 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए फ्ल्यू गैस डिफ्लोराइजेशन प्रणाली का भी उद्घाटन किया है। और शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने बंगाल के हुगली जिले में आरामबाग में 7,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने शनिवार को बंगाल में नेशनल हाईवे 12 के 4 लेन के 100 किलोमीटर लंबे फरका रानीगंज सेक्शन का उद्घाटन किया है। इस राजमार्ग के निर्माण में 1986 करोड़ रुपए की लागत आई है। प्रधानमंत्री ने 940 करोड़ रुपए के 4 रेल प्रोजेक्ट्स को भी देश को समर्पित किया है। इसके तहत दामोदर मोही शिला लाइन का दोहरीकरण किया गया है और बाजार साऊ अंजिमगंज रेल लाइन का भी दोहरीकरण किया गया। वहीं अंजिमगंज और मुर्शिदाबाद रूट पर नई लाइन बिछाई गई है। आपको बताते चले कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल की कृष्णा नगर लोकसभा सीट से टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने जीत दर्ज की थी। महुआ मोइत्रा भाजपा की कट्टर आलोचक मानी जाती है। ऐसे में माना जा रहा है कि भाजपा ने कृष्णा नगर लोकसभा सीट पर ही महुआ मोइत्रा को घेरने की तैयारी की है। बीते साल दिसंबर में महुआ मोइत्रा को पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में संसद की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया था। बंगाल के नादिया जिले में महुआ समुदाय की अच्छी खासी संख्या है। दोपहर को बंगाल का दौरा पूरा कर पीएम बिहार के दौरे पर रवाना हो जाएंगे। इससे पहले शुक्रवार को हुगली के आरामबाग जिले में 7,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की नींव रखी गई थी। इसके अलावा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 12/7 में महिला केंद्रित एक जनसभा में संदेश खाली की पीड़िताओं का दर्द भी सुनेंगे। साथ ही आपको बता दें कि बड़ा संदेश देने के लिए पीएम की जनसभा की तारीख 6 मार्च की जगह 8 मार्च कर दी गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।